पावर केबल इटा ऑन ऑफ बटन आ वही है हमरो ऑडिटर केबल ये ला पावर सप्लाई टोटल जो मटेरियल कॉस्टली यूज कर रहे थे कि कौन सी ये 5 वर्ष वारंटी रहुची बॉक्स रे कौन सी प्रॉब्लम आसला अपन कौन सी पार्ट खराब है ला तको हमें एक्सचेंज कर देमु आ 15 वर्ष बॉक्स लाइफ रहइबो 15 वर्ष भीतर यदि बॉक्स रे कौन सी डैमेज हुए हमें रिटर्न बॉक्स नुवा बनके देबो आ 5 वर्ष वारंटी रहइबो कौन सी पार्ट डैमेज है ना से पार्ट हमें एक्सचेंज कर देबो। नमस्कार दर्शक बंधु, तो दर्शक बंधु एबेका समय रे हमरो पोल्ट्री फार्मिंग रे जो आंदोलन चलती ए आंदोलन जुगु प्राय तो चासी भाई माने तांकर हाथ गोड़ बांधि पर बसिले नि जोटा कि से फार्म 5000 10000 फार्म जे करथले आनी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग माध्यम रे करथले से कंपनी माने तांकर जो पात्रंत्र मनोभाव रखछन्ती से किछि हमरो चासी भाई बाहर पोलानी आ किछि फार्म बंद हेलानी तेणु यहाँ पूर्व मुझे कल भी गोटे भिडियो भी अपलोड करी से भाई दुख सहित आम सहित से सेयार करते तेणु यहाँ आक्षेप रखी बर्तमान किसी चाषी भाई जे छोट छोट फार्म कर छोटे फार्म कर किसी मिनि हेचेरी नहीं से निजर क्षमता अनुसार से फार्म चलती आज आम जन जो मिनि हेचेरी जन कर जे चाषी भाई से मिनि हेचेरी कर से सेल कर आज आम तक कथा एवं से मिनिचर भी देखेबे आ केमी कौन से बिकुचं आमी या प्रथम शेष पर्यटन आम पचार दर्शक ये देखो हूँ मिनि हेचेरी भाई नमस्कार आम सीओ फार्म चैनल को स्वागत प्रथम आम दर्शक मान परिचय दिखाई नमस्कार दर्शक बंधु मो ना हूँ रमेश रमेश दास। अच्छा भाई आम देखल ये जो हेचेरी आप कर मिनि हेचेरी बोध हेचेरी अच्छा आप कौन ये निजे आपरी कर निजे घर सर प्रडक्शन काड़ू बाकी अर्डर आसर पर आम जहाँ जैसे रिकमेंड रोचे से हिसाब से बनाऊ अच्छा से ही हेचेरी बाबद दर्शक मैं कहूँ प्रथम शेष पर्यटन कहूँ आप कौन कर सेलिंग बाबद कहूँ हाँ से मैंने जो रकम आप रिकमेंड रोह से आम एभल गोटे प्रडक्शन काढ़ीचु आप हर एक क्लैमेट रे हेचिंग हो पार कौन से अंडार से देसी ब्रॉयलर ऑस्ट्रेलिया या तुम बतक अदरवाइज कड़कनाथ जो तुम हेचिंग सब टाइमिंग अलग रोच जो रकम आप कैपासीटी कहे से हिसाब से बनईद 50 अंडा पाखु नहीं कि 1500-2000 अंडा हेचिंग कर पार्जु से हिसार ये भाई क्वालिटी भाग बनाई जोटा कि आप हर एक क्लैमेट से बर्षा थंडा नॉर्मली आप देखी थे जो थर्मोकोल गोटे बन कि जो हेचिंग कराए से अदरवाइज जो शीत टाइम क्लैमेट पिला हो पारे कारण से ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम जुगुर से अंडाटा खराब हो जाए जो आप बस 200-500 अंडा बसी आप जानि ना ठीक शीत पड़ थो आप अंडाटा खराब हो जाए से आम एक्सपेरिमेंट कर जानलु कि यह गोटे मेसीन प्रडक्शन कराला कि आप हर एक क्लैमेट आप हर एक अंडार हेचिंग करें कौन सी डैमेज हेनी आर जो क्वालिटी अच्छी 99% आप हेचिंग क्लीयर दब जो मेसीन रोते दिन अंडाटा बाहर ये मिनिमम अंडा आप 16 दिन स्टार्ट हे 21 दिन क्लोज हो जोटा कि नर्मल आम देसी कौड़ा आरोप बतक आप बस तरह अलग टाइमिंग रोचे कड़कनाथ 21-24 दिन लगुच जोटा ओरिजिनल कड़कनाथ 24-26 दिन लगे जोटा कि डुप्लिकेट आस ब्लाक नुह जो मिसिंग अच्छे से 21 दिन लगे कम्प्लीट बाहर आउ सब अंडार डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइमिंग अच्छे आउ कैपासीटी हिसाब से टाइमिंग हिटिंग तरह सेमती एक्सपेन्स कर दर्शक बंधु आम चल देखा मेसीन देखा भाई मुझे देखे भाई मुझे देखा डिटेल देखा मेसीन ये है पूरा सेटअप बक्सटा आज्ञा ये रहा है पूरा पैनलटा पैनल भितर आप ये देखिए टेम्परेचर रोचे आज्ञा ये टेम्परेचर आप 37.5°। अच्छा आप ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर टेम्परेचर को जदि ये कमुच्छे टेम्परेचर तो लाइट ऑन होती 74.4 टेम्परेचर आसो ये ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो गए आम फ्लिंक लाइट दिखाई भितर लाइट रहा जो टेम्परेचर लाइटा से ठीक यार हिटिंग बढ़ला कमला अन हो हिटिंगटा ये अन बटन यार पावर केबल आमर अडोटर केबलटा यहाँ पावर केबल आउ एतिक यार पैनल सिस्टम पैनल केते सेफली बना जाइए यार कौन सी तार इफेक्टेड आसबनी आप भितर को मैंने ये आप जो अंडार छुआ के टेम्परेचर दरकार 37.5 एभव रहा दरकार 37.5 मिनिमम आउ ओवर गला मैंने
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି 37.4 ଆସିଲା, ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି 7.5 ଓଭର ଗଲା 5 or 6 or 7 କୁ ଗଲା ଲାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଭଳିଆ ଯେବେ ଇଏ କମିଯିବ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡା ବସିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 37.5 ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କରିବ, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଚିଂ ଟ୍ରେ, ଏହାଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ରହିବ। ଇଏ 16 ଦିନ ପାଖର ରୁଟେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ବାକି 16 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଅଣ୍ଡାକୁ, ପିଲା ସେଠି ହେଚିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ୱାଟର୍ ଟ୍ରେ ଲାଗିବ ନା। ଏଇରକମ ମେସିନ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି? ଇଏ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି 7,000-6,500 ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ 500 କାପାସିଟି ଅଣ୍ଡାରେ। ସେ ହିସାବରେ ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିଛୁ, ୟାର ମଜୁରୀ ସବୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 10,000 ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 500। ହର ଏକ କାପାସିଟିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ରିକମେଣ୍ଡ ରହିବ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ତାଙ୍କ ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ବନେଇକି ଦେଇପାରେ। ମୁଁ 50 ଅଣ୍ଡା ଦରକାର କି 100 ଅଣ୍ଡା କି 500 ଅଣ୍ଡା କି 10,000 ଅଣ୍ଡା କି 500 ଅଣ୍ଡା। ମେସିନ୍ଟା କେତେ ହଜାର ଆପଣ ଯିବ? ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଛି 10,000, 9,000 ଆମ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି, 1,000 ବାକି ଅଛି। ସେଇଟା ଆଜି ପରେ ବାହାରିଯିବ ମେସିନ୍, ଏପରେ ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି କାମ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ମେସିନ୍ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆଟରେ ବି ମେସିନ୍ ବାବଦରେ ବି କହିଲେ ବି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଇ ହେଚର୍ ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ଆପଣ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଠାଇଦେବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବସ୍ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଦେବେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିବେ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ। ହଁ, ସେଫ୍ଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାତିଂ ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ବି ଭାଇ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ବାହାରିଆ ରେଟ୍ରେ ବୁଝୁଛୁ। ଏଇ ମେସିନ୍ ନିହାତି 20-25 ହଜାର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ 10,000। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ମେସିନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।